हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम सोमन, मेरी वाइफ सोमू। अभी हम लोग कॉस्को आए थे, देखिए पीछे कॉस्को है। तो अभी क्रिसमस आने वाला है और हम लोग क्यूबेक जाने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों का क्यूबेक जाने का प्लान है, तो हम लोग पूरा एक डिटेल वीडियो हम लोग देंगे कि क्यूबेक जाने का क्या है, कैसे क्या प्लानिंग हम लोगों ने किया और हम लोग कैसे अपने आप को प्रिपेरेशन कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग लेके जा रहे हैं। वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा क्योंकि सोमू को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिला, तो बस हम लोग एक दिन के लिए जाएंगे। मतलब फ्राइडे को हम लोग जाएंगे, नहीं सैटरडे को हम लोग जाएंगे, संडे को रुकेंगे और मंडे को हम लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए अभी थोड़ा हम लोगों का शॉपिंग चल रहा है, अभी भी बहुत कुछ लेना बाकी है। तो वॉलमार्ट और कॉस्को में हर रोज़ हम लोगों का बहुत ज़्यादा बिल हो रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ये वीडियो बस आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि अगर आप कनाडा आते हो, आप ऑब्वियसली इनकम तो करोगे ही, लेकिन आपका खर्चा भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आप अपने लाइफस्टाइल पे आपको आपका जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी डेवलप होगा। वैसे हम लोगों का इंडिया में भी होता है, दिवाली के टाइम पे और दुर्गा पूजा के टाइम पे हम लोग काफ़ी शॉपिंग करते हैं, लेकिन वहाँ पे शॉपिंग करते टाइम क्या होता है कि बिकॉज ऑफ वेदर बहुत पसीना भी होता है, बहुत क्राउड भी होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप उतना क्राउड नहीं है दोस्तों, तो आप अपने हिसाब से आराम से आप शॉपिंग कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी शॉपिंग करने का जो भी है, देखो ऐसे ट्रॉली मिलता है कॉस्को के अंदर या किसी भी सुपर स्टोर के अंदर, उस ट्रॉली को आप लेके आ सकते हैं। और देखिए मेरे बच्चे कैसे उतर रहा है। सोमू इसको इधर से उतर के दिखाओ, सेमू को निकल के। तो देखिए यहाँ पे जो अच्छा चीज़ है कि ट्रॉली आप मॉल के बाहर लेके आ सकते हो, सुपर स्टोर के बाहर आप लेके आ जा सकते हो और बहुत ही आसान है दोस्तों, लाइफ उतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए अभी मेरा बच्चा देखिए वहाँ से कैसे उतरेगा, या अभी इसका 8 साल उम्र हो गया, तो इधर से ट्रॉली से उतरने में उतना प्रॉब्लम या उतना दिक्कत नहीं होता है दोस्तों। तो अगर आप लोग कनाडा आ रहे हो विथ योर किड्स, ऑब्वियसली आपको शायद कॉस्को का मेंबरशिप आपको लेना चाहिए, क्योंकि कॉस्को में जो भी मिलता है बहुत ही बल्क में मिलता है। और देखिए मेरे बच्चे देखिए जस्ट देखो ये कैसे इसके अंदर चला गया, कैसे इसके अंदर से निकल के आ गया। तो एनीवे ये छोटा सा एक वीडियो आप लोगों को बस दिखाने के लिए कि क्या होता है डेली लाइफ में जब आप कॉस्को आते हो या जब आप वॉलमार्ट आते हो, तो आप शॉपिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी हो जाता है, लेकिन कॉस्को में अगर आप मेंबरशिप लेते हो तो आपको थोड़ा सा तो सेविंग्स होता है दोस्तों, क्योंकि उसमें क्वांटिटी ज़्यादा होता है और पैसा थोड़ा सा कम लगता है, ठीक है। तो मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा बूट को बंद कर दूँ। तो एनीवे ये छोटा सा वीडियो बस आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे फेस्टिव सीजन में कैसे होता है। अभी आज दिसंबर के 22 तारीख है और आपको पता है कि 25 को जो क्रिसमस है, क्रिसमस यहाँ का सबसे बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है। लोग बहुत शॉपिंग करते हैं, लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत लाइटिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोगों के अंदर एक डिसिप्लिन है, उतना ज़्यादा क्यावस नहीं होता है। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, मैं जहाँ से आया हूँ, मैं इंडिया से आया हूँ, आई लव माई कंट्री, आई लव माई इंडिया, बट थिंग इज दैट कितना फ़र्क है दोस्तों। आप इंडिया में जब शॉपिंग करने गए तो बहुत क्यावस में आपको करना होता है, लेकिन वो बहुत सारी दिक्कतें होता है राइट, अगर स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं तो। और यहाँ पे देखिए ठंड में है, आज तो थोड़ा सा ठंड है, माइनस में टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी उतना हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक है। आपको यहाँ पे मतलब हम लोगों को ज़्यादा फिजिकल डिफिकल्टीज नहीं होता है। अगर आप कनाडा आते हो या किसी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में अगर आप आते हो, यहाँ पे सब कुछ प्रोसेस ओरिएंटेड है और बहुत ही सिस्टमेटिक है। यहाँ पे जो बंदा मान लो गाड़ी में सामान रखता है या सामान को अनलोड करता है ट्रक से, उसके पास भी मशीन होता है, उसके पास भी बड़ा सा ट्रॉली होता है, ठीक है। तो किसी को आप यहाँ पे नहीं देखोगे कंधों में कोई सामान लेके उतर रहा है राइट। जैसे अपने कंट्री में क्या होता है कि मतलब जो लोग काम करते हैं ऐसे ट्रक से अनलोड करने के लिए, लोड करने के लिए, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना पड़ता है राइट। अदरवाइज वो लोग वो काम नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग अपने पीठ में सब लेते हैं, अपने ताकत से सब लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मतलब स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा। और यहाँ पे लोग जो है बहुत ही मशीन डिपेंडेंट है, यहाँ पे सब कुछ का मशीन है, तो आप बस उसको यूज़ कीजिए और आप जो भी काम कर रहे हैं आप कीजिए। और एनीवे देखिए थोड़ा सा नज़र, आज 22 तारीख है, 22 दिसंबर, भीड़ तो है कॉस्को के अंदर, लेकिन फिर भी देखो लोग अपने तरीके से गाड़ी सब पार्किंग किया है। यहाँ पे ना कोई क्यावस है और ना कोई इनडिसिप्लिन है, ना कोई हॉन्किंग है और ना ही कोई पॉल्यूशन है दोस्तों। तो ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए कि यहाँ पे लोग कैसे इन्जॉय करते हैं, और जो भी इन्जॉय करते हैं इन लोगों का फेस्टिवल वो भी बहुत तरीके से करता है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। सो एनीवे सो दैट्स फॉर टुडे।
मैं ऐसे और भी बहुत सारा वीडियोस लेके आऊंगा दोस्तों, शायद वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप कनाडा आने के बारे में सोच रहे हो देन आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो सकते हो अपने आप, लाइक यू नो हाउ इज लाइफ इन कनाडा, एंड दैट इज द होल मोटो ऑफ माय वीडियो। सो तब तक देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड, और अगर अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।